एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट बॉटनी का। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड यूनिट जो कि कार्बन ऑक्सीडेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये हमें पढ़ना है। इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से कार्बन का ऑक्सीडेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो हम बेसिकली बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो हम प्लांट के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कार्बन ऑक्सीडेशन वाली जो यूनिट है, इसमें आपको NEP के अकॉर्डिंग जो सिलेबस मेंशन किया गया है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक्स को थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया गया है। जैसे इन्होंने सबसे पहले क्रेब्स साइकिल लिखा है, फिर ग्लाइकोलिसिस लिखा है, आफ्टर दैट इन्होंने एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन जैसे टॉपिक दिए हैं। तो हम टॉपिक किसी भी तरीके से आपके यूनिट में मेंशन हो, आपके सिलेबस में मेंशन हो, हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप पूरे के पूरे यूनिट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज की इस क्लास में हम बस ये करने वाले हैं कि इस यूनिट में आपको कम्प्लीटली क्या पढ़ना है, क्या उसका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है और पूरा कार्बन ऑक्सीडेशन होता क्या है, बेसिक्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। कल से हम लोग एक एक स्टेप जैसे है, जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, ETS क्या है, जो अल्टरनेट मेथड्स होते हैं, अगर ग्लाइकोलिसिस किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं चल रहा है तो क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी यूनिट ये होने वाली है और इसमें आपको बहुत ही कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपने क्लास 12th में ऑलरेडी रेस्पिरेशन वाले यूनिट में कर लिया। देखिए, कार्बन ऑक्सीडेशन कि कहीं ना कहीं कार्बन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड होने वाला है। और क्या है कि यहाँ पे हमें कार्बन के ऑक्सीडेशन के जो डिफरेंट मेथड्स है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वो सब कुछ हमें इस यूनिट में कम्प्लीटली पढ़ना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, एक मेंशन किया हुआ सिलेबस है। सबसे पहले आपको क्रेब्स साइकिल पर दिया है, ग्लाइकोलिसिस दिया है, फेट ऑफ पाइरूवेट दिया है जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, कि पाइरूवेट के फेट अलग अलग हो सकते हैं। कौन कौन सा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है तो उसका फेट अलग होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसका फेट अलग होगा। मतलब कि वही सिमिलर पाइरूवेट अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करती है तो वो कुछ और मॉलिक्यूल बनाएगा, उसका फेट, उसका फ्यूचर कुछ और होगा। और वही अगर वो एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है तो उसका फेट कुछ और होगा। तो यही चीज आपको पढ़नी है। यहाँ पे फर्मेंटेशन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन के बीच में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन को हम यहाँ पे काफी अच्छे से समझेंगे, दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे। नेक्स्ट में आपको दिया गया है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसे हम इन शॉर्ट में PPP पाथवे या PP पाथवे कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये देखिए, ये हर ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस ही हो, उसी से एनर्जी बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो कि ऐसी कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते या ऐसे कुछ कंडीशन होते जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को अल्टर कर दिया जाता है, ग्लाइकोलिसिस के अलावा किसी और प्रोसेस के फलस्वरूप यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, आपके एनर्जी का, ATP का, क्योंकि एंड प्रोडक्ट आपको ATP बनाना है। अब आपका क्या है कि यहां पे आपका घर है और यहां पे आपका स्कूल है, ठीक है, यहां पे आपका क्या है, स्कूल है। आपको स्कूल से घर आना है और इसके लिए 2-3 रास्ते हैं। हो सकता है कुछ रास्ता आपको जल्दी पहुंचा देता हो, कुछ रास्ते में थोड़ा आपको, मतलब कि अगर आप साइकिल से आ रहे हो या गाड़ी से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, तो रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ, एकदम बगल बगल में पूरी छाया वाया है, तो आप उस रास्ते को प्रेफर करते हो, वो आप मोस्टली जो है जाने आने के लिए यही रास्ता यूज़ करते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बस यही रास्ता यूज़ कर सकते, आपके पास कुछ और अल्टरनेटर फॉर्म भी होते हैं, तो वो है आपका PPP पाथवे, वो सब देखेंगे। और आपका दिया है क्रेब्स साइकिल के जो रेगुलेशंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ETS साइकिल चलता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, PO रेशियो क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, साइनाइड जो कि एक रिस्पायरेशन के लिए क्या कह सकते हैं कि अगर साइनाइड केमिकल होता है तो रिस्पायरेशन की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, ATP फॉर्मेशन ब्लॉक होने लगता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म साइनाइड के प्रेजेंस में भी रिस्पायरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि साइनाइड रेजिस्टेंट जो आपका रेस्पिरेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो ओवरऑल आपकी बात की जाए तो रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट के आगे पीछे आपकी पूरी यूनिट घूमने वाली है। अगर आप रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रेस्पिरेशन जो है वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कहते हैं। रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेटिव कोई सबस्टेट होता है, जरूरी नहीं है कि ये सबस्टेट हमेशा ग्लूकोज ही हो। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि रेस्पिरेशन में हमेशा ग्लूकोज यूज होता है। रेस्पिरेशन में कोई
पास ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसका हम ऑक्सीडेशन करें और उससे हमें एनर्जी मिले। ये सबस्ट्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ये सबस्ट्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, ये सबस्ट्रेट आपका फैट भी हो सकता है, ये सबस्ट्रेट आपका प्रोटीन भी हो सकता है, और ये सबस्ट्रेट आपका जो है ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। मतलब जो आपने आज तक पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जो भी आपने रिस्पायरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली या सबसे मोस्ट कंडीशन में अबंडेंट फॉर्म में आपका इसी का ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट कभी कभी प्रेजेंट नहीं होता या फिर उसकी मात्रा कम होती है, किसी और फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को, देन फैट, देन प्रोटीन, देन ऑर्गेनिक एसिड। तो ये एक सीक्वेंस है, किसी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और हर मॉलिक्यूल जो है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ऑर्गेनिक एसिड हो, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन सबस्टेंस जो है वो सब में प्रेजेंट है, तो इसलिए से हम कार्बन ऑक्सीडेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन हमेशा ग्लूकोज का हो ऐसा जरूरी नहीं है। कार्बन ऑक्सीडेशन में जो सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोसेस है वो ग्लूकोज का है, बाकी और भी फॉर्म्स होते हैं जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और ऑर्गेनिक एसिड। अगर आपको ये सीक्वेंस याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, जैसे जब कोई डाइट करता है तो पहले क्या होता है, बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम होते हैं, फिर हमारी बॉडी में जो फैट होता है, प्रोटीन स्टोर होता है, फिर फैट स्टोर होता है, ये सब जो एक सीक्वेंस में यूटिलाइज होते हैं। तो क्यों होते हैं, पहले अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तो बॉडी को वो पसंद है, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगा, इस तरीके से चीजें होती हैं। अब क्या है कि अगर हम एक नॉर्मल जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के लिए उसको एक बार नोट डाउन करें तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, नॉर्मली हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, CO2 में, H2O में, और यहाँ पे हमें एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी जो स्टेप है वो हमेशा रिस्पायरेशन को फुलफिल नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे ग्लूकोज ही प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे ऑक्सीजन ही प्रेजेंट हो। हो सकता है यहाँ पे ग्लूकोज के स्थान पे कोई फैट हो, कोई प्रोटीन हो, कोई ऑर्गेनिक एसिड हो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन का सिंपली मतलब ये है कि कोई आपके पास सबस्ट्रेट है, उसका ऑक्सीडेशन आप करेंगे, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो बॉडी के जो भी मेटाबॉलिज्म होगा, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म, उसको परफॉर्म करने में काम करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि रिस्पायरेशन जो है आपकी बॉडी में या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन का जो एक ओवरव्यू है वो हम आज की क्लास में समझते हैं। रिस्पायरेशन, देखिए, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में मैं एक बार आपको डिफरेंस बता देती हूँ। रिस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ये जैसे आपका ग्लूकोज, इसका जो ब्रेक डाउन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन। और ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम ब्रीद करते हैं, हम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहते हैं। तो ब्रीद इन का मतलब क्या है कि हम हवा को अपनी फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, ब्रीद आउट का मतलब क्या है, एक्सहेल जिसे हम कहते हैं, फेफड़ों की एयर को हम बाहर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे इसको हम रिस्पायरेशन नहीं कहेंगे। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है कि आपके लंग्स में, आपकी लंग्स में क्या है कि यहां पे आपकी लंग्स है, आपकी लंग्स में जो एयर है वो एयर जब किसी टिश्यू, ये मान लो कोई टिश्यू है, कोई सेल है, इनकी ब्लड स्ट्रीम में मान लो गई, ये जो एयर है वो आपके पहले लंग्स में गई, लंग्स से फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में गई, वहाँ से जिस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहाँ से ऑक्सीजन यहाँ चलाएगा और CO2 यहाँ चलाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली प्रोसेस चलेगी कि C6H12O6 प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन करके सेल को एनर्जी मिलेगी। तो ये वाला जो स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये रिस्पायरेशन है और ये जो हवा आई गई ये ब्रीदिंग है। तो प्लांट में ब्रीदिंग के लिए ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, वो अपने स्टोमेटा, लेंटिसेल, इन्हीं सब के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस या ब्रीदिंग जिसे हम कह सकते हैं उसकी प्रोसेस करती है, मतलब एयर वहां तक इसी माध्यम से पहुंचता है।
अब बात हम कर रहे थे रिस्पायरेशन की। तो रिस्पायरेशन जब हम समझते हैं तो यहाँ पे दो तीन आपको टर्म्स काफ़ी बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। एक क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और लास्ट में आपका एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस आती है। तो समझते हैं कि बेसिकली एरोबिक, एनएरोबिक और फर्मेंटेशन वगैरह में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें और हम आपको ले चले गए ऐसे टाइम पे जब क्या हुआ था कि धरती पे जीवन स्टार्ट हुआ था, मान लो हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, अभी अभी क्या हुई, धरती बनी हुई है, और आपको पता है कि जब धरती का निर्माण हुआ था तो ऑक्सीजन गैस जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थी। ऑक्सीजन अगर रहता तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव एनवायरमेंट रहता, उस टाइम हमारे पास रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, इसलिए लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब पहले समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी तो अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि तब एटमॉस्फेयर दूसरा था और अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अब एटमॉस्फेयर में अगर आप कोई भी चीज छोड़ते हैं तो वो अपने विघटन की ओर जाएगी, ना कि फॉर्मेशन के साइड। तो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं था। तो अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था तो क्या उस समय जो जीव रहते थे वो रिस्पायरेशन नहीं करते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म धरती के फॉर्मेशन के टाइम पे थे, जिसे हम कीमोहेटरोट्रॉप्स कहते हैं, कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म, देखिए ये सब चीज़ें आपको क्या करेगी, आपके टॉपिक के लिए इंटरेस्ट भी जनरेट करेगी और ये सब आपके टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा। मेरे बस बता, जैसे अभी आप एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन सिंपल सिंपल पढ़ के जा सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एनारोबिक में क्या है, क्यों है, कैसे हुआ। तो जो ऑर्गेनिज्म पहले ऐसे एटमोसफेयर में जीते थे जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, तो वो भी रिस्पायरेशन करते थे, लेकिन वो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के गैस के बिना होती थी। इसका मतलब है कि रिस्पायरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो एक एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल का मतलब क्या है कि उनकी जगह पे कोई और काम ना कर पाए, उनको कोई रिप्लेस ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायरेशन वो ऑर्गेनिज्म करते थे। तो जब रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक। यहाँ पे एरोबिक या एयर जो वर्ड है वो ऑक्सीजन के लिए दिया गया है, और दूसरा क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन, जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और हिट करना चाहिए कि भाई जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन से काम चल जा रहा था, जैसे हमने कहा कि पहला जो हमारे पास सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो रिस्पायरेशन का मेथड था वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का मेथड हमारे पास प्रेजेंट था। अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बाद जो है हमारे पास जो सेकेंड मेथड हुआ है वो है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन है। अब ये एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था। अब दिमाग में क्वेश्चंस ये आना चाहिए कि भाई जब एनएरोबिक से भी लोग जिंदा रह रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, तो एरोबिक लाने का क्या मतलब था, क्या ये फालतू गिरी है, अब हमें ऑक्सीजन बचाना पड़ रहा, ऑक्सीजन बचाने के लिए पेड़ लगाने के लिए सब लोग बोल रहा है, क्या मतलब नाटक है। तो चीज़ ये है कि जब हम एरोबिक एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। वो क्या है, बहुत लिमिटेड। हमारी इतनी बड़ी बॉडी का जो कि एंडोथर्मिक बॉडी है, इतनी ज़्यादा जो हमारे पास एटीपी का कंजप्शन हमारा डेली हो रहा है, उसकी फुलफिलमेंट हम इस एनारोबिक रिस्पायरेशन के मेथड से बहुत तरीके से नहीं कर पाते। हमारी बॉडी में दिन भर न जाने कितने मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते रहते हैं और उनके लिए पता नहीं कितनी एटीपी लगती रहती है। तो अगर हम एनारोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा करते, जैसे कि सिंपल सा समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 2G नेटवर्क था, 3G नेटवर्क था, 4G नेटवर्क था, तो 5G लाने की क्या जरूरत थी, क्यों, क्योंकि वो क्या था, उसका स्पीड स्लो था और इसकी एफिशिएंसी कम थी, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। वैसे ही एरोबिक रिस्पायरेशन की एफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन में आपको हार्डली दो से मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन में आपको कम से कम एनर्जी मिलती, वहीं पे एरोबिक रिस्पायरेशन में आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ये चीज़ हो गई एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन की। अब एक एक करके थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ भी लेते हैं, बहुत कुछ हमने समझ लिया, सुन लिया, अब एक एक करके थोड़ा सा चीज़ों को देख भी लेते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पे आपको लिखने के लिए, नोट्स के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही है।
रिस्पायरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे हर वर्ड का मतलब हम समझने वाले हैं। रिस्पायरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म, कलेक्शन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसके कलेक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में आपका एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों आ जाता है। इसका मतलब है रिस्पायरेशन में चीजें बनेंगी भी और रिस्पायरेशन की प्रोसेस में चीजें टूटेंगी भी, तो ये एक प्रकार का एनाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इन विच फ्री एनर्जी रिलीज, यहाँ पे क्या होती है एनर्जी, फ्री एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज होती है, रिलीज होती है, लिबरेटेड होती है। क्या दिया गया है, फ्रॉम द ऑक्सीजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहां पे क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और किस प्रोसेस की वजह से होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, रिस्पायरेशन की प्रोसेस में हमारा एटीपी सिंथेसाइज होता है। नीचे क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड एज द सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पे जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब कुछ जो है हमारे सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज किए जाते हैं। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन, जो रिस्पायरेशन है से हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए हमने ग्लूकोज लिया, सपोज करिए हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज लिया। अभी ये ग्लूकोज जो है अगर ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और H2O में, तो ये हमारा कहलाता है कम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जैसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन में पढ़ते हैं। वहीं पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारा इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। ये जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये आपका कभी लैक्टिक एसिड में, कभी पाइरूवेट एसिड में इस तरीके से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, इथेनॉल बनाता है जो भी आप पढ़ते हैं फर्मेंटेशन वगैरह, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट आपका रिस्पायरेशन। तो इतनी चीज समझ में आई कि रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ये एक प्रकार के ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है, एनर्जी यहां पे सिंथेसाइज होती है, ऑक्सीडेशन होता है यहां पे, और एनर्जी जो सिंथेसाइज होती है मतलब आपका एटीपी बनता है। क्या क्या यूज़ करके या किसका किसका ब्रेक डाउन करके एटीपी बनता है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप फैट भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट आपका जो फेवरेट है या अबंडेंट है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों ऐसा क्यों है, देखिए अगर आप अमाइनो एसिड जिसे हम प्रोटीन मतलब जिसके चेन को हम प्रोटीन कहते हैं, या ऑर्गेनिक एसिड, इनको जब आप यूज़ करते हो फॉर द एटीपी प्रोडक्शन या रिस्पायरेशन के लिए, तो बॉडी में कुछ बाई प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं। वो बाई प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन है वो लॉन्ग टर्म में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में हम वही चीज़ यूज़ करें, जैसे हम आज भी कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है कि आप अगर ये चीज़ यूज़ करोगे तो बाई प्रोडक्ट कम निकलेगा, या ऐसा बाई प्रोडक्ट निकलेगा जो कि बाद में नेचर को कम हार्म कर रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी में हम ऐसे ईंधन को यूज़ करना चाहते हैं अपनी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए, जिसके द्वारा जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कम से कम हो, ठीक है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को बॉडी प्रेफर करती है, फैट, फिर प्रोटीन, फिर ऑर्गेनिक एसिड, ये हमारा पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। एरोबिक रेस्पिरेशन को ही हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या दिया है, इफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। जैसे अभी हमने कहा ना कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने या ना प्रेजेंट होने की वजह से इसका पूरा का पूरा नेचर बदल जा रहा है, उसका पूरा का पूरा फेट ऑफ पाइरूवेट बदल जा रहा है, इसका मतलब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में कुछ तो इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि इसके होने ना होने से बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है, एक्ट एज अ
टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जो सबसे लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन जो सिंथेसाइज होता है, जो पूरा ईटीएस साइकिल में फ्लो करता है, उसे लास्ट में जो आपका एक्सेप्ट करने की काम करता है वो ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन अगर रहेगा तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा ऑक्सीजन द्वारा, अगर ऑक्सीजन उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एरोबिक कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन के अलावा सल्फेट, फ्यूमरेट, ये सब कुछ जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को, तो इसे हम एनएरोबिक कहते हैं। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कर रहा है, एनारोबिक में भी कोई तो कोई करेगा ही, इलेक्ट्रॉन फ्री में तो जाएगा नहीं। तो जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट ऑक्सीजन कुछ भी हो उसे हम एनारोबिक कह देते हैं, और अगर टर्मिनल लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन है तो उसे हम एरोबिक कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक वे हो गया समझाने का कि ऑक्सीजन प्रेजेंस या एब्सेंस से अच्छा है कि आप कह सकते हैं कि जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अगर ऑक्सीजन है तो वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और अगर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं है तो इट्स कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया, आगे देखते हैं। इसमें क्या दिया है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, एनर्जी एंड वाटर। वाटर को तो छोड़ दिया हमने, वाटर ये क्या है, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ और चीजें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि कितना एनर्जी बनता है, कितने एटीपी बनते हैं जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक, दो चीज़ हम पढ़ते हैं, एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक प्रोसेस या एक्सर्गोनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सर्गोनिक है। अगर इसी का अपोजिट प्रोसेस जहां पे हम देखते हैं कि कैसे ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है एंडरगोनिक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी यूटिलाइज करके आपका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ CO2। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सर्गोनिक है, यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना होगा तो उसे हम कहेंगे कि इट इज अ एंडरगोनिक प्रोसेस, यहां पे एनर्जी आपका यूटिलाइज होकर कोई प्रोडक्ट या कोई पाथवे जो है वो रन करता है। आगे देखते हैं, विच रिलीज फ्री एनर्जी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा जो है फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। अब इसमें क्या कितना एनर्जी मिलता है, अगर हम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज के 1 मोल की बात करें, यहाँ पे दिया गया 180 ग्राम, तो ये इसका मॉलिकुलर वेट है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने क्या किया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप कैसे पढ़ते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का क्या होता है, हर मॉलिक्यूल जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सर हर एलिमेंट का हम क्या करते हैं, इनका हम मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं। जैसे किसका क्या है, 12 है कार्बन का, और कार्बन के हमारे पास 6 मॉलिक्यूल है, तो इसको लिख लिया हमने। फिर इसको हम ऐड करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल के साथ, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है और ये क्या है, 12 हो गया। उसके बाद इस तरीके से ऑक्सीजन O6 क्या है, 16 होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, और हमारे पास यहाँ पे 6 हो गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 180 ग्राम आने वाला है। तो यही इसका क्या है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का जो वेट है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे अगर ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं तो यहाँ पे हमें CO2 वाटर मिलता है, उसके साथ ही साथ 686 या फिर 2870, इतना क्या होता है आपको, अगर किलो जूल की आप बात करते हैं तो आपको इतना लिखना है, अगर किलो कैलोरी की बात करते हैं तो 686 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है 30 से 32 ATP मॉलिक्यूल के, और एक ATP मॉलिक्यूल में 7.3 किलो कैलोरी जो है वो आपका एनर्जी होता है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन के जैसा ही होता है। डिफरेंस क्या होता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है, वहीं पे अगर हम फर्मेंटेशन के साथ इसको रिलेट करेंगे तो हमें काफ़ी सारे और डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एक बार इसको कर लेते हैं फिर उसको कर लेंगे। दिया है, इन द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सल्फेट नाइट्रेट सल्फर एंड फ्यूमरेट। क्या दिया है, सल्फेट नाइट्रेट सल्फर एंड फ्यूमरेट, ये क्या करते हैं, ये चारों जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कर रहा है तो एरोबिक, उसके अलावा कुछ भी कर रहा है तो एनारोबिक। ठीक है, आगे क्या दिया है, एज लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन मेंटेन एन ATP सिंथेसाइज बाय द प्रोसेस।
उसके बाद लास्ट में क्या दिया है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन बोथ प्रोसेस अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ये क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए आप बस इतना समझिए कि एरोबिक और एनारोबिक में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे यहाँ पे सिट्रिक साइकिल वगैरह चलती है वैसे वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं होता, एरोबिक में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। इतना मेन डिफरेंस है। इसी को एक बार फटाफट हम लोग फर्मेंटेशन के साथ रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन और एरोबिक और एनारोबिक को साथ में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, मतलब इसका जो पहला लाइन है, जो पहला वर्ड है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ मैच करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, फर्मेंटेशन भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, लेकिन फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़े अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये डिफरेंस है। और क्या दिया है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन अकर्स एंड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द पाथवे इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी कर दी गई है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए। और क्या डिफरेंसेस है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो क्या चीज़ होती है, जैसे इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, रेस्पिरेशन में बेसिकली हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो इस साइड प्रोटॉन ज़्यादा है और क्या है, इस साइड प्रोटॉन बहुत कम है, तो यहां पे क्या होता है कि ग्रेडियंट, एक डिफरेंस जनरेट होता है प्रोटॉन का, और इस प्रोटॉन को यहां से इस साइड जिधर से ज्यादा है उधर से कम साइड में भेज भेज के एनर्जी फॉर्म की जाती है, एटीपी सिंथेसाइज किया जाता है। यहां पे एक मोटर जैसा स्ट्रक्चर चलता है और यहां से जब प्रोटॉन यहां से यहां जाता है तो वहां पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है। ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन फर्मेंटेशन में ऐसा कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट या इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें इस प्रोसेस में देखने को नहीं मिलता है। ये मेन डिफरेंस आपको फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है, जो कि फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है, मतलब इसमें एटीपी प्रोडक्शन सबसे कम होता है, इससे ज़्यादा आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। और लास्ट में क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये मेन चीजें हैं जो कि आपको रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एरोबिक और फर्मेंटेशन के बारे में पता होनी चाहिए। कल की एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेन या डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन क्या होता है। आज की इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने रेस्पिरेशन के बेसिक डिस्कस किए। आपको लग रहा होगा एंड ऑफ द क्लास कि आपने कुछ बहुत स्पेशल या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, बट आपका एक क्यू जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप की ग्लाइकोलाइसिस क्या होता, मतलब सॉरी रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस किस मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये सब कुछ देख लिया। कल हम लोग एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन देख लेंगे, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इस तरीके से वन बाय वन करके हम चीजों को डील करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।